तो हेलो दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं परगोला। जो छोटा छोटा बाउंड्री मारा हुआ है देखिए इस पर, इसको बोलते हैं परगोला। ओके, और ये जो आपका दिख रहा है उठा हुआ उसको बोलते हैं बुल मार्क। देखो बीच बीच में जो उठा हुआ है ऐसे ऐसे जो क्षेत्र बना हुआ है इसको बोलते हैं बुल मार्क। यह 40 mm का है, ठीक है, इसका हाइट है 40 mm। और ये जो आप पूरा देख रहे हो ये पूरा परगोला है। देखो यहाँ एक वहाँ दो, है ना, ये पूरा परगोला है। इसको बेसिकली एलिवेशन के रूप में यूज किया जाता है, जिससे कि बिल्डिंग में अपना शो आए, एलिवेटेड अच्छा दिखे। और ये जो आप येलो कलर का जो पाइप लगा हुआ है जो देख रहे हो ऐसे, देखो जा रहा है ना, इसमें क्या करेंगे हम, अभी इसके थ्रू कंक्रीटिंग होगा इसमें, हम उसमें स्क्रिप्ट डालेंगे, है ना, मिक्स डिजाइन 25 ग्रेड का स्क्रिप्ट डालेंगे उसमें। तो ये पाइप के थ्रू नीचे से प्रेशराइज किया जाएगा। देखो ये क्लैंप है, इसको क्या किया है, क्लैंपिंग किया गया है दोनों पाइप को जॉइंट करने के लिए। ओके, ये एक पाइप का लेंथ होता है अराउंड 9 फीट का लेंथ होता है इसका। ओके, तो ये क्लैंप के थ्रू एक एक पाइप को जोड़ जोड़ कर ऐसे लिया जा रहा है। और आप अभी आपको लेकर जा रहा हूँ, दिखाता हूँ मैं कि कहाँ से ये पाइप आ रहा है। आप देखोगे तो शॉक्ड हो जाओगे, देखो कहाँ से आ रहा है ये पाइप। ये चलते हैं अपन, और ये देखो नीचे में हम अभी जहाँ खड़े हैं वो G+15 फ्लोर है। ओके, यानी G+15 यानी ग्राउंड+15। और ये देखो नीचे में मिक्सचर चल रहा है, इसके थ्रू कंक्रीट आएगा। राइट साइड में येलो कलर का एक दिख रहा है, वो मशीन है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा उसको, उससे प्रेशराइज किया जाता है। और ये देखो इसको बोलते हैं वॉकी टॉकी, इससे बातें करते हैं, यानी कि कितना कंक्रीट आएगा, ये ऊपर में ऑपरेटर है, ये बताएगा उसको कितना कंक्रीट आना है, कितना चौक देना है, एक चौक दो चौक, तो ड्राइवर को बताएगा, तो ड्राइवर वो हिसाब से प्रेशराइज करेगा कंक्रीट को, और कंक्रीट ऊपर में आएगा यानी स्क्रीड आएगा। ये जो दिख रहा है इसमें नंबरिंग किया हुआ है, वॉल्यूम बटन है, ठीक है, यानी है कि वॉल्यूम तेज करना कम करना ये सब है। और ये दिख रहा है जो चार्ट हो जो दिख रहा है, ये चार्जर के लिए है, ये ऑन ऑफ माइक बटन है, देखो सब दिया हुआ है दिख रहा है इसमें। इसको बोलते हैं वॉकी टॉकी बोलते हैं इसको अपन। ओके, और अभी देख रहा हूँ ये हैमरिंग कर रहा है पाइप को जो है, देखो कितना तेज तेज से हैमरिंग कर रहा है। वो हैमरिंग करने के पीछे भी रीजन है, वो इसलिए कर रहा है कि अभी क्या है, आप आवाज़ सुन रहे होते, देखो देखो सभी मारे जा रहे हैं, वो इसलिए मार रहे हैं क्योंकि फिर मशीन फिलहाल चालू हो गया है। तो चालू हो जाने से होता है प्रेशर आने से ना वो उसमें एयर नहीं जा पाता है, इसके लिए कहते हैं ये जो मारते हैं पूरा एयर पैक ही चाहिए उसमें, ठीक है, तो उसको मारते हैं ताकि एयर पूरा पैक रहे, कहीं नहीं निकले और कंक्रीट फ्लो होके जाते रहे, कंक्रीट फ्लो होके जाते रहे, इसके लिए इसको मार रहे हैं। कंक्रीट कंटिन्यू जाएगा, देखो वहाँ सुन रहे हो गया, तो जा रहे हैं देखो मारते हुए। ओके, अभी देखो इसको खोल दिया, वो इसलिए खोला है क्योंकि अभी वहाँ पे अटक गया था, कंक्रीट आया आया उसको जितना भी प्रेशर दे रहा है तो वो निकल नहीं रहा था वो, ठीक है, जितना भी प्रेशर दे रहा है कंक्रीट निकल नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, तो वो बोला इसको खोलना पड़ेगा, खोल करके फिर से प्रेशराइज करेगा, उसके बाद में वो कंक्रीट कंटिन्यू होगा। फिर से इन लोग मारते हुए उसी हैमरिंग करते हुए, कुछ हैमर है कुछ लकड़ी है सब पकड़ करके मारते हुए उसको लेकर जाएंगे। देखो स्लरी सब बाहर आ रहा है कंक्रीट में, जो स्क्रीट में जो स्लरी है पाइप के थ्रू बाहर आ रहा है। ओके, देखो क्लैंपिंग कर रहा है अपना लड़का है, क्लैंपिंग कर रहा है, वो किस प्रकार कर रहा है, पहले उसको लेवल में लाएगा दोनों पाइप को, देखो वो उधर से उठा रहा है, ये इसको लेवल में ला रहा है, लेवल में ला करके उसको देखो लेवल में ला रहा है, सब स्लरी सब नीचे गिर रहा है, ये क्लैंप लिया और यूं उसको थोड़ा सा ठोक करके फिक्स किया और ये लगाया। ओके, देखो आप, ये थोड़ा सा उठाने का दरकार पड़ रहा है उसको लेवल मिलाने के लिए, देखो फिर से खुल गया, ये लगा दिया ये। देखो क्लैंपिंग कर रहा है, मार रहा है ताकि वो उसको जो मार रहा है हैमरिंग कर रहा है वो टाइट हो रहा है। ओके, वो टाइट कर रहा है, क्लैंप उसके थ्रू टाइट होता है। देखो ये कैसे जा रहा है ऊपर में, ये आपको दिखाया था इससे पहले मैं, पर बोला ये जो पाइप है कंटिन्यू डायरेक्ट जाएगा किसके ऊपर, पर बोला के ऊपर, क्योंकि G+15 फ्लोर में जो है आप ऐसे तो कर नहीं पाएंगे ना, वो कोई भी कितना चढ़ेगा, G+15 फ्लोर मतलब सीढ़ी चढ़ चढ़ के वो बेचारा थक जाएगा, कोई अपना लेबर है, मेसन है,
वो जा जा के थक जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे अभी इसमें अपना प्रेशराइज मशीन के थ्रू इसमें अपना कॉन्क्रीट जो है कंटिन्यू जाएगा परगोला के ऊपर। ओके देखो ये कॉन्क्रीट देखो नीचे गिरा आपको दिख रहा होगा यहाँ से, वही इसलिए क्योंकि मशीन चालू होता है तो इससे थोड़ा सा निकलता है। ओके अभी फिक्स कर रहे हैं इसको। अब ऊपर में भी यूं इसी प्रकार लगा देगा वो, यहाँ भी बैठो। देखो ये जो कंक्रीट निकल रहा है देखो आपको दिख रहा होगा, देखो ये नीचे में वो ऑपरेटर बोल रहा है इतना चौक दे, तो एक एक चौक देखो आ रहा है, एक एक बार देखो आ रहा है फिर रुक रहा है, आ रहा है देरी, इसको चौक बोलते हैं, कितना चौक देना है कितना ऑपरेटर बोलेगा वो हिसाब से कॉन्क्रीट आएगा इसमें। ओके अभी देखो ऊपर का जो है अपने स्क्रीड जो है डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट इसमें आता है ऑलरेडी, केमिकल एडमिक्सचर सब मिला हुआ आता है ना। देखो ये गिर रहा है, खोल रहा है उसको अभी अभी, यानी ऊपर में अपना हो गया कंप्लीट, क्योंकि हम 14 mm का एक लेयर देते हैं। देखो कैसे ये ऑलरेडी बना हुआ स्ट्रक्चर 14 mm का लेयर देते हैं ताकि इसमें जो पानी रहे रेन वाटर जो है अपना वो स्लो बन के ये जो बोर पाइप जो दिख रहा है वो पाइप के थ्रू बाहर निकल जाए। ओके बेसिकली ये वाटर प्रूफिंग का ही ये है, वाटर प्रूफिंग के लिए हम कर रहे हैं इसको, पूरा प्रूफ रहेगा, डैम्पनेस नहीं आएगा इसमें, मैंने केमिकल मिला हुआ है एडमिक्सचर मिला हुआ है, देखो लेवल कर रहा है ये पूरा, जो बुलमार्क आपको दिखाया था वही बुलमार्क के थ्रू क्या कर रहा है ये पूरा उसका लेवल मिला देगा, देखो पूरा स्लोप कर देगा। ये देखो ये है अपना मशीन, देख रहे हो ये मशीन है अपना जिससे वो प्रेशराइज करके कॉन्क्रीट पूरा ऊपर में भेज रहा था ना, ये वही मशीन है। तो जो मिलर था वो चला गया, देखो ये कैसे घूमता है, देखो देख रहे हो इसके थ्रू जाता है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।